अस्सलाम वालेकुम। खोए की बर्फी तो आपने कई बार खाई होगी। क्या आपको पता है खोए से बहुत ही टेस्टी केक भी बनाया जा सकता है? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एगलेस मावा केक की रेसिपी। खोए या मावा से बना यह केक आप किसी फेस्टिवल या फिर किसी खास ओकेशन पर बना सकते हैं। अगर आप डेजर्ट में कुछ अलग तरह की रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो मावा केक एकदम परफेक्ट है। इसे बनाने के लिए सारी चीजें आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी, बहुत ही टेस्टी और एक अलग फ्लेवर के साथ। आइए मावा केक की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेंगे। एक बाउल में 1/3 कप मेल्ट किया हुआ बटर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कंडेंस मिल्क। अगर कंडेंस मिल्क ना हो तो आप पीसी हुई शक्कर ऐड कर लीजिएगा 1/2 कप। वैसे हमने तो दोनों को मिलाकर ऐड किया है, 1/4 कप कंडेंस मिल्क और साथ ही 1/4 कप पीसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। अब इन्हें हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जरूरी नहीं है कि आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से ही बीट करें, आप किसी विस्क की मदद से या फिर फोर्क से भी इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो दूध भी मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे इस केक का मेन इंग्रेडिएंट खोवा। यहाँ पे 150 ग्राम हमने खोवा लिया है। अगर कप से मेजरमेंट करें तो यह 1/2 कप है। यह हमारा होममेड मावा है जिसे हमने 1/2 कप मिल्क पाउडर और 1/2 कप दूध के साथ 1 टेबल स्पून घी मिलाकर बनाया है। इसे अच्छी तरह ठंडा करने के बाद इसे इस तरह से ग्रेट कर लिया है। तो सारा मावा हम इसके अंदर डाल देंगे और इस स्पैचुला की मदद से पहले इसे मिला देंगे। अब इसे 30 सेकंड के लिए बीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर किसी तरह का लम्स ना रहे और मावा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मावा भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसे हटा देंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक छलनी और अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा और साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची के पाउडर से केक के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, इसलिए आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इन सभी को हमने छान लिया है। अब इन सभी को हमें इस स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बहुत ही ज़्यादा थिक है। 1/4 कप दूध लिया है जो कि सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। वैसे आप अपनी बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से दूध इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसे मिला देंगे। तो यहाँ पे केक का बैटर हमारा बनकर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने केक टिन पहले ही रेडी करके रख लिया था। इसके अंदर बटर पेपर लगाकर इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो ऑयल से ग्रीस करने के बाद आप इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दीजिएगा और केक टिन में सारा बैटर हम ट्रांसफर कर देंगे। स्पैचुला से इसे अच्छी तरह से लेवल कर देंगे और 3 से 4 बार इसे इस तरह से टैप कर देंगे और अब इसके ऊपर डालेंगे कटे हुए नट्स। क्योंकि हम मावा केक बना रहे हैं तो इसे भी मिठाई की तरह सजा देना है। तो यह देखिए, कटे हुए पिस्ते और बादाम से मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है। यह बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे कढ़ाई में बेक करना चाहें तो आप कढ़ाई में बेक कर लीजिएगा, लेकिन आज मैं इसे अवन में बेक करूंगी। तो यहाँ पे 180 डिग्री पे 40 मिनट्स के लिए मैंने केक को बेक कर लिया है। अब मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ आपको। यह देखिए बिल्कुल क्लीन आया है। यह आप किसी भी नाइफ या टूथपिक से इस तरह से चेक कर लीजिएगा। केक बहुत ही अच्छी तरह बेक हो चुका है। तो अब मैं इसे डीमोल्ड कर लूंगी। यह देखिए, यह नीचे से भी कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है और कितनी आसानी से यह डीमोल्ड हो चुका है। इसमें का बटर पेपर हटा देंगे। केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। मैं इसे काट कर इसके अंदर का टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। तो कम मेहनत में बिना किसी तामझाम के इस तरह का टेस्टी केक बिल्कुल बेकरी वाला टेस्ट के साथ आप इसे घर पे आराम से बना सकते हैं और वो भी किचन में पड़ी कुछ ही चीजों से।
तो यहाँ पे आप इसके अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं, या कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो मेरी इस मावा केक की रेसिपी को क्रिसमस या फिर न्यू ईयर के मौके पर आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कुक विद लाडली को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।